नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव ने अंतरजातीय विवाह किया है, रिचेल से शादी की है, जिसको लेकर कई नेता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, इससे भेदभाव और जात पात कम होता है। दो जातियों के बीच भेदभाव की जो बिहार या भारत में धारणा है, उसको अंतरजातीय विवाह से ख़त्म किया जा सकता है और ये होना ही चाहिए। तो तेजस्वी यादव की जीतन राम मांझी ने इसको लेकर प्रशंसा की है। उन्होंने कई सारी बातों को कहा था। दरअसल वो मुजफ्फरपुर में आए थे, इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। तो आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। मैंने शादी उनका जो हुआ है उसमें उनके आपको आमंत्रण आया था? नहीं, हम मिले नहीं। अगर आमंत्रण आता तो हम जाते, और जो शादी उसने किया है अच्छा किया है। हमारे अम्बेडकर साहब ने ही कहा था 1956 में कि जो हिंदू धर्म में विसंगतियां हैं, इस विसंगति को दूर करने का एक ही तरीका है कि कास्टलेस सोसाइटी को अपनाया जाए। और कास्टलेस सोसाइटी बुद्ध धर्म को अपनाया था, वहाँ कास्टिज्म नहीं है। और हम लोगों का कहना है कि जब तक कास्टिज्म चलता रहेगा हिंदुस्तान में, इसी प्रकार की बात होती रहेगी, आपस में झगड़ा, मनमुटाव, जात पात का भेद, और इससे हमारे भारत की सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उसका खतरा है। अलग हो सकते हैं भाषा के नाम पर, अलग हो सकते हैं अपना ट्रेडिशन के नाम पर, इसीलिए शादी, अंतरजातीय शादी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसमें तेजस्वी ने अंतरजातीय शादी किया है, इसके लिए उसको प्रशंसा करते हैं। एक चीज़ और, आप जो है वो कह रहे जी इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको किस देखिए उस पार्टी लाइन पर लोग बोलते हैं, हम कहते हैं विशेष राज का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को। और आपने देखा होगा कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार को फिसड्डी राज घोषित किया गया है। तो जब फिसड्डी राज है, यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है 1 किलोमीटर में 1100 से ज़्यादा लोग होते हैं, और जहाँ 600 हैं, 500 हैं, वहाँ मिल रहा है। यहाँ पठारी इलाका है, जंगली इलाका है, या फिर कहिए उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से हम त्रस्त हैं। तो इस तरह से जब हमारा पैरामीटर हम नीचे में है जो नीति आयोग कहती है, तो फिर विशेष राज का दर्जा न देने का क्या उचित है? मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री में फिर कैसे क्यों खटास हो रहा है? वो पार्टी का मामला है, वो रेणु जी बोली हैं तो भाजपा का एक स्टैंड है। तो हम कह रहे हैं न, पहले ही हमारा ये कहना है कि एक मतभेद होता है और एक मन भेद होता है। तो दोनों गठबंधन में हैं, गठबंधन चला रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मतभेद है, मनभेद नहीं है। मनभेद अगर रहता तो दोनों अलायंस से बाहर हो जाते। तो उसी प्रकार से हम लोग यही कहते हैं कि जहाँ ठीक लगे उसका समर्थन मिलना चाहिए, जहाँ अगर कमजोरी है तो इंगित करना चाहिए। सच्चा दोस्त और मित्र का यही पहचान होता है। केंद्रीय गृह, तो आपने सुना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव की प्रशंसा की है, साथ ही कई चीज़ों को लेकर कहा है अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, उनका मानना है। अंबेडकर की जीव की भी यही बात थी, उन्होंने कहा है, कई सारी बातों को कहा है। वहीं शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाया है, वहीं अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें को रखा है। शराबबंदी को लेकर कहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, और 10 बजे के बाद जो बड़े लोग होते हैं 50-60% लोग रात में दारू पीते हैं, और वो कम मात्रा में दारू पीते हैं और सुबह में उठ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन गरीब लोग पकड़े जाते हैं, दिन में दारू पी लेते हैं, गरीब लोग बाहर में दारू पी लेते हैं, इस कारण पकड़े जाते हैं और जेल इसी कारण भर रहा है। तो कई सारी बातों को कहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की प्रशंसा की है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रशंसा की है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।